नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके साथ कम्युनिकेशन टॉपिक पर चर्चा करूंगा। कम्युनिकेशन हम सब तकरीबन पता है क्या होता है, लेकिन मेरी समझ से हम में से ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन के पूरे महत्व को अच्छी तरह समझते नहीं है। प्लस कम्युनिकेशन कितना वास्ट है, कितना ब्रॉड है, यह भी नहीं समझते। इसीलिए हम कम्युनिकेशन तो करते हैं, हम चाहे अनचाहे, गाहे बगाहे, हर समय कम्युनिकेशन करते रहते हैं, लेकिन उससे जो हमको फायदा हो सकता है, जो हम उससे बेनिफिट उठा पा सकते हैं, उसको हम पूरी तरह उठा नहीं पाते हैं, और यह हम सब पर लागू होता है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक सतही स्तर पर कि कम्युनिकेशन क्या है। आगामी सत्रों में हम इसके विभिन्न दृष्टिकोणों और विभिन्न आयामों पर भी बातचीत करेंगे। तो कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन सेशन पर हम बात शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन को हिंदी में जो शब्द है, एक है संचार, एक है संप्रेषण, इनका उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। और हम सब समझते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब विचारों का आदान प्रदान, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। कम्युनिकेशन का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। आप ध्यान कीजिए, जब एक नया बच्चा, इंसानी बच्चा या किसी भी जीव का बच्चा पैदा होता है, तो सर्वप्रथम वह रोता है। उसके रोते ही उसके माता पिता, चाहे इंसान हो चाहे जीव जानवर जंतु हो, उसकी केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसकी जरूरतों का पालन करते हैं। तो कम्युनिकेशन हुआ ना। यहां पर कम्युनिकेशन इतना बेसिक है कि जैसे सांस लेना है, हम सांस लेते हैं उस बारे में सोचते नहीं है, उसी तरह हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उस बारे में हम सोचते नहीं। अगर हम सोच लें उस बारे में और अपने आप को अच्छी तरह से कम्युनिकेशन की का प्रयोग कर पाए, तो सोचिए हम पे कितना फर्क पड़ेगा। अब हम बात शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन कौन करता है। हमने ये तो देख लिया कि एक वाक्य में अगर हम कहें कि कम्युनिकेशन विचारों का आदान प्रदान है, तो कम्युनिकेशन कौन करता है? हर इंसान करता है कम्युनिकेशन। अगर बोलने की क्षमता नहीं है तो भी कम्युनिकेट करता है, पढ़ने की क्षमता नहीं है तो भी कम्युनिकेट करता है। आपको संभवतः अभी यह बहुत अच्छी तरह से समझ में ना आ रहा हो, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आज हम देखेंगे कि हम हर समय सोते जागते, चाहे अनचाहे, कम्युनिकेट करते रहते हैं, और सभी जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं। और तो और साइंस कहती है कि वृक्ष और पेड़ पौधे इत्यादि भी कम्युनिकेट करते हैं। तो जानवर, अगर आपने गौर किया हो, भौंककर या विभिन्न आवाजों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पेड़ विभिन्न केमिकल्स छोड़ते हैं, विभिन्न गंध छोड़ते हैं, जिस तरह से वो अपने पॉलिनेशन के लिए आकृष्ट करते हैं चिड़ियों को और अन्य जीव जंतुओं को, वो सारे कम्युनिकेशन के तरीके हैं। यहां पर विचार का आदान प्रदान भले ही ना हो रहा हो, लेकिन सूचना का आदान प्रदान जरूर हो रहा होता है। तो कम्युनिकेशन इतना बेसिक है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, हर जीव जंतु, यहां तक कि पेड़ पौधे भी कम्युनिकेट करते हैं। यह पहला मुद्दा हमें साफ सुथरा क्लियर समझ लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, यह इसी तरह से है जैसे सांस लेना। सांस लेना, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम बच नहीं सकते, हम जीवित नहीं रह सकते, हमारे सर्वाइवल के लिए इसेंशियल, जरूरी है, आवश्यक है। वैसे ही कम्युनिकेशन हमारे सर्वाइवल, हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है। मैंने आपको पहले, थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि छोटा बच्चा है, वो जैसे ही पैदा होता है वो रोना शुरू कर जाता है, भूख लग रही होती है, परेशानी हो रही होती है, सांस लेने की समस्या होती है। अगर वो नहीं रोएगा तो नुकसान हो सकता है उस बच्चे को। सो कम्युनिकेशन इज बेसिक टू ऑल लिविंग बींग्स, पहला पॉइंट हम समझें। और वो इसलिए बेसिक है क्योंकि वह हमारे सर्वाइवल, हमारे जीवित रह पाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम जो बात करेंगे आज और आज के बाद के सत्रों में, हम इंसानी कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जानवरों के कम्युनिकेशन
में अगर हम जाएंगे तो वो बहुत वृहद हो जाएगा। अभी हम अपने आप को लिमिट करके रखेंगे इंसानी कम्युनिकेशन के बारे में। तो इंसानी कम्युनिकेशन या इंसानों द्वारा कम्युनिकेशन कब शुरू हुआ होगा आपके अनुसार? अगर हम इस तरह से देखें कि इंसान ने कब बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया, लिपियां कब शुरू हुई, तो कम्युनिकेशन कुछ हजार साल पुराना हो सकता है। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन को उसके पूरे वृहद रूप से समझें, तो इंसान जब इंसान नहीं था, यानी जब जानवर था अपने इवोल्यूशन के दौरान, तब भी कम्युनिकेट करता था, तभी आज बंदर भी कम्युनिकेट करते हैं, सभी जानवर कम्युनिकेट करते हैं। जब इंसान इंसान बनना शुरू हुआ तो भी उसने अपनी वो कम्युनिकेशन की काबिलियत को बनाए रखा और निखारा। इनफैक्ट इसीलिए एज अ स्पीशीज इंसान या ह्यूमन बींग्स बाकी सारे जानवरों से आगे निकलकर एक तरह से पृथ्वी का स्वामी बन पाया। तो कम्युनिकेशन कैसे करते रहे होंगे वो लोग, हम सब जानते हैं विभिन्न अपने विषयों के माध्यम से, और हमने टीवी पर कई सारे कार्यक्रम भी देखे हैं कि शुरुआती इंसानों ने पहले एक साथ समूह में रहना या ग्रुप एक्टिविटीज शुरू की। तो समूह में क्यों रहते थे, कि अगर अकेला इंसान होता तो शेर या अन्य जानवर जोरों से मुकाबला नहीं कर पाता, उनके पास ज्यादा ईश्वर प्रदत्त या प्रकृति द्वारा दी हुई ऐसी पंजे, नाखून, दांत वगैरह थे कि वो इंसान को खत्म कर देते। लेकिन जब कई इंसान समूह में काम करते थे तो वो अपनी सुरक्षा कर पाते थे। जब समूह में काम करते थे तो एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लिए उन्होंने धीमे 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 मकान बनाना शुरू किया, झोपड़ियां बनाना शुरू की, फिर एक दूसरे की मदद से बचाव करना शुरू किया जानवरों से अपना, साथ ही अपने खाने के लिए जानवरों को मारना शुरू किया। अब आप सोचिए, एक उस समय के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हाथी या कोई भी एक बड़ा जीव को क्या कोई अकेले इंसान मार सकता था? नहीं। जब इंसानों ने ग्रुप एक्टिविटी या सामूहिक क्रिया के रूप में काम शुरू करना शुरू किया तो वो एक दूसरे की मदद से खूब सारा बड़ा शिकार कर पाए। अगर छोटे शिकार की भी बात करें तो ज्यादा मात्रा में शिकार कर पाए। उसके अलावा साथ रहने से उनको एक दूसरे की इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड्स तो मीट हुई, जैसे नेचुरल एलिमेंट से बचाव, भोजन की जरूरत, पानी वगैरह वगैरह, प्लस एक दूसरे की इमोशनल नीड्स, इस तरह से इंसान डेवलप हुए हम सब जानते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप गौर करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कम्युनिकेशन है। अगर आप सोचिए एक समूह इंसानों का किसी जानवर को मारने जा रहा है तो उस समूह में आपस में चर्चा तो होती होगी कि मैं उसको ऐसे पकड़ूंगा, आप उसको ऐसे मारना, इस डंडे से मारना, इस तरह से घेरना, इस तरफ खाई में ले जाना। ठीक, अगला कदम क्या रहा है इंसानी सभ्यता के विकास में, वो है कृषि या एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी हर जना अकेले तो नहीं कर सकता। अगर कोई जना दिन भर खेत में है तो उसको विभिन्न खेत के कामों के लिए दूसरे की, इसीलिए सामूहिक समाज में यह आवश्यक हुआ कि जब मेरे खेत में बुआई का समय आ रहा है तो पूरे गांव के समस्त लोग मेरी मदद के लिए आ जाएंगे। उसी तरह जब दूसरों के खेत में बुआई का समय आएगा, अगेन यहां पर कम्युनिकेशन की जरूरत, इंसानों को एक दूसरे से समझना कि आओ मेरे खेत में काम करो। इस तरह से धीमे 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 कम्युनिकेशन शर्तियां इंसानों के सृजन या शुरुआत के समय से ही साथ रहा होगा और इंसानों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अब हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे सीखते हैं। तो आमतौर पर हमको समझ में ये आ सकता है, हम ऐसा मान सकते हैं कि हम स्कूल में जाते हैं, क ख ग घ ककहरा या ABCD या विभिन्न भाषाएं सीखते हैं, तो इसको हम लर्नड कम्युनिकेशन कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ लर्नड ही हो सकता है या सीखा हुआ ही हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे बच्चा हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जानवर हो, बिना किसी स्कूल में गए ही वो कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। वो लर्नड तो है लेकिन कॉन्शियसली लर्नड नहीं है। अब आप समझिए, छोटा बच्चा है, उसको ये नहीं मालूम कि दूध
क्या होता है, लेकिन जब भूख लगती है और दूध प्राप्त होता है तो उसकी परेशानी दूर होती है। तो उसने सीखा कि यह वस्तु दूध है, या यह वस्तु रोटी है, या यह वस्तु खाने का अन्य प्रकार है। इस तरह से बच्चे ने बिना स्कूल जाए सीखा। फिर अगर आप गौर कीजिए, क्या आप बोलना स्कूल जाने के बाद या लिखना स्कूल जाने के बाद ही सीखते हैं? बहुत हद तक हम मान सकते हैं कि लिखना भले ही स्कूल जाने के बाद आता हो या स्कूल जाने की वजह से आता हो, लेकिन बोलना तो हम सब बोलने का काम स्कूल जाने से काफी पहले से कर रहे होते हैं। सो वो हम इस पृथ्वी में जब पैदा हुए होते हैं हम शब्द तो नहीं जानते, हम वह बोलने की हमें क्षमता नहीं होती है, तो हमने सीखा है। अतः हम ये मान के चलते हैं कि कम्युनिकेशन इंसानों का कम्युनिकेशन, हम ये नहीं कह सकते कि पेड़ कम्युनिकेशन सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, किंतु जानवर बहुधा सीखते हैं। इस संदर्भ में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें चिड़िया के एक अंडे को उन्होंने उसके घोंसले से निकालकर अलग किया, और इनक्यूबेटर, वो मशीन जिसमें बहुत सारी परिस्थितियां रहती हैं जैसे जो उसके सेने के लिए या इंक्यूबेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें रख दिया गया। वहां से वह उसमें चिड़िया का बच्चा निकला, उसको बिना किसी अन्य चिड़िया के साथ के एक अलग माहौल में रखा गया, जहां सारी सुविधाएं थी जो चिड़िया को होती है, की जरूरतें होती हैं, खाना पानी दाना इत्यादि, सिर्फ आवाज किसी प्रकार की नहीं थी, किसी भी प्रकार की आवाज नहीं थी। जब वह चिड़िया का बच्चा बड़ा हुआ तो पाया गया कि वह चिड़िया का बच्चा चहचहा नहीं पाता था। अब हम जानते हैं कि हर चिड़िया अलग अलग तरह के बोल अलग होते हैं, और उन सब के आपस में कोई मतलब भी होती होंगे जो हम इंसान ढंग से नहीं समझते। कुछ हद तक कुछ एक जानवरों के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन ढंग से नहीं समझते, किंतु सबके मतलब होते हैं। जो कोयल बोल रही है वो कोयल ही समझ सकती है, कौवा नहीं समझ सकता। तो यह चिड़िया के बच्चा जब निकला, ये कतई चहचहा नहीं पाता था या बोल नहीं पाता था। फिर उस चिड़िया के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किए गए और पाया गया कि उस चिड़िया के बच्चे में बोलने के लिए आवश्यक जो भी शारीरिक अंग होते हैं, जैसे हमारे अंदर डायफ्राम होता है, फेफड़े होते हैं, ये विंड पाइप होती है, लैरिंग्स होता है, दांत होते हैं, मुंह होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजों के सम्मिश्रण से ही हम बोल पाते हैं। उसके अंदर भी वह सारे अंग मौजूद थे, फिर भी वह चिड़िया का बच्चा चहचहा नहीं पाता था बड़े होने पर। जो इकलौती चीज से उसको प्राप्त नहीं हुई अपने बड़े होने के समय में, वह थी दूसरी चिड़ियों का साथ। तो जो मैंने आपसे पहले कहने का प्रयास किया, कम्युनिकेशन बहुत बेसिक लेवल पर शायद हम सीख कर ही आते हैं, लेकिन यहां आने के उपरांत, पैदा होने के उपरांत, ज्यादातर कम्युनिकेशन हम सीखते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा उसका बिना स्कूल जाए या कॉन्शियस लर्निंग नहीं होती है, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लर्निंग होती है। अब तक हमने कम्युनिकेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया है, कि एक समझने के लिए कि कम्युनिकेशन क्या है और उसका महत्व क्या है। धीमे धीमे हम जैसे और उसके आयामों को समझेंगे, जानेंगे, तो हमको खुद ही समझ में आता जाएगा, हम सबको खुद समझ में आ जाता है कि कम्युनिकेशन कहां महत्वपूर्ण है जीवन के हर अंग में। सो इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस, दो मुद्दों पर हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन एज अ साइंस या एज अ ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो डिफाइन करने में आसानी रहेगी अगर आप उसको पढ़ पाए, मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ता हूं। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन From one to the other, as simple as that. जानकारी का आदान प्रदान, बेसिक लेवल पर यही कम्युनिकेशन है। अब जानकारी शब्द के, देखिए समस्या ये आती है कि हर शब्द के कई मतलब हो सकते हैं,
तो आपके लिए जानकारी का कुछ मतलब हो सकता है, मेरे लिए कुछ और मतलब हो सकता है। यहां पर जानकारी शब्द या इंफॉर्मेशन या डेटा, कोई भी शब्द का बिल्कुल वृहद मतलब समझा जाए। अगर मैं कोई भाव रखता हूं आपके प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, वह भी जानकारी है। अगर उसका भाव को मैं प्रकट करता हूं, उसी जानकारी का संप्रेषण या ट्रांसमिशन मेरे से दूसरे व्यक्ति को। इसमें खाली भाव ही नहीं हो सकते, इसमें और भी बातें हो सकती हैं जानकारी के अलावा। यह जानकारी क्या क्या हम इससे समझ सकते हैं? आइडियाज, विचार, फैक्ट्स, सूचनाएं, थॉट्स, विचार, फीलिंग्स, भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, वैल्यूज, सही और गलत की बातें, जैसे देशभक्ति, सच्चाई, अतः वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब हम इससे क्या समझे? कम्युनिकेशन बच्चे के रोने की भूख प्रकट करने की बात हो, ये तो ठीक है एक बेसिक लेवल पर, लेकिन वह सिर्फ एक बेसिक लेवल है, उसके ये विभिन्न आयाम है। फैक्ट्स, जब आप इंटरनेट पे कोई जानकारी प्राप्त करते हैं फैक्ट्स के बारे में, कि कोई भी किसी भी तरह का फैक्ट अपनी पढ़ाई के लिए करें, वह भी कम्युनिकेशन के तहत है। आइडियाज, अगर आपने कोई बहुत इजाद की, कोई खोज की या कोई रिसर्च की, उसको जब आप बाकी साथ शेयर करते हैं, आइडियाज। थॉट्स, आप अपने मित्र से कहते हैं चैटिंग करके या फोन पर कि मैं बहुत दुखी हूं या मैं बहुत खुश हूं या ऐसा है या वैसा है। थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, वैल्यूज, कि हम अपने बच्चों को बताते हैं, हमको हमारे गुरुजन बताते हैं स्कूल कॉलेज में कि ये उचित है, ये सही है, ये गलत है। सो कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, वैल्यूज, आइडियाज, फैक्ट्स, थॉट्स, फीलिंग्स इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो अब इससे आपको समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन कितना वृहद चीज है। जब मैंने पहले कहा था कि हम चाहे अनचाहे, सोते जागते, संभवतः सोते में कम, संप्रेषण करते रहते हैं, कम्युनिकेशन करते रहते हैं, और यह हमारे ज्ञानार्जन, हमारे हर क्रिया में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। हम खाना भी बना रहे हैं तो हम कम्युनिकेशन का प्रयोग कर रहे हैं। हमें कभी किसी ने बताया होता है कि खाना कैसे बनाते हैं, दाल कैसे छौंकी जाती है, चावल कैसे उबाला जाता है, वह भी कम्युनिकेशन से संबंधित है। हम खाना किसी को सर्व करते हैं, खाना खाते हैं कि मुझे और रोटी चाहिए माता जी, आप कहते हैं अपने घर में, वह भी कम्युनिकेशन है। हर चीज हम चाहे ना चाहे, इसीलिए मैंने सबसे शुरू में आपसे बोला था कि जैसे सांस लेना हमारे जीवन के लिए एक अनिवार्य क्रिया है, वैसे ही कम्युनिकेशन एक अनिवार्य है। लेकिन सांस बहुत आसानी से समझ में आता है कि सांस अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। कम्युनिकेशन काफी वृहद है, अलग अलग क्रियाओं में इसका उपयोग है, अतः हमको इसको समझना पड़ेगा। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और हम कम्युनिकेशन के प्रकारों की बात करते हैं, कि कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रकार और कितने प्रकार हो सकते हैं। इस स्टेज पर हम सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर काम कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उसकी डिटेल्ड लिस्टिंग अभी करना उचित नहीं हो सकता। संभव है आप इस बात को, अगर आपको ज्यादा रुचि हो, आप खुद ही इस बारे में और विचार करना चाहें और जानकारी एकत्रित करना चाहें। सो कम्युनिकेशन को विभक्त कुछ जो बड़े बड़े तरीकों से, दो तीन तरीके हैं, वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूं। पहला है कम्युनिकेशन मींस इंट्रा एंड इंटर पर्सनल।
इंट्रा मतलब अपने आप के अंदर, इंटर मतलब दो व्यक्तियों के बीच में, पर्सनल रिफर्स टू पीपल और पर्सन्स। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में सूचना या कम्युनिकेशन होता है उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। हमारी समझ से जो हम आमतौर पर समझते हैं उसके अंतर्गत सभी कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस विषय के एक्सपर्ट्स के अनुसार इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेशन है। इंट्रापर्सनल वह कम्युनिकेशन होता है जो हम अपने आप से करते हैं, हम अपने आप को ही से बातें करते हैं, हम अपने आप को, हम रात में सपने भी देखते हैं, वो भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है, वो इंट्रापर्सनल है, वो हमारी जद के बाहर है, तो इंट्रोडक्शन के लेवल पर उससे हम बात नहीं करेंगे। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का प्रयोग कहां कहां हो सकता है इस बारे में भी हम अभी बात नहीं करेंगे, संभवतः हम इस बारे में बाद में भी ज्यादा बात न करें। हम अपने आप को फोकस्ड रखेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में होने वाला संप्रेषण। यह एक तरीका है उन कम्युनिकेशन शब्द को समझने का या विभक्त करने का। कम्युनिकेशन के को विभक्त करने का दूसरा तरीका है, उसको दो अलग शब्दों के माध्यम से, एक है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। यकीन मानिए यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण विभेद की चर्चा मैं कर रहा हूं, और हम बहुधा, हम में से बहुत बहुत सारे लोग इस विभेद को पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन के लिए, खास तौर से जो लोग घर से बाहर नौकरियों में और अपने करियर्स में कम्युनिकेशन के भरपूर या उचित प्रयोग की वजह से नुकसान की प्राप्त करते हैं, उनके लिए यह विभेद समझना बहुत जरूरी है। यहां पर वर्बल शब्द का मतलब शब्द है या वर्ड है। तो जो कम्युनिकेशन, चाहे इंट्रापर्सनल हो इंटरपर्सनल हो, वो अलग विभेद है, उसको हम यहां अभी नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग है। जो कम्युनिकेशन शब्दों के माध्यम से हो वह वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, और जो कम्युनिकेशन शब्दों के माध्यम से न हो वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। थोड़ा सा कुछ लोग को अटपटा लग सकता है, क्योंकि हम आमतौर पर समझते हैं कि सारा कम्युनिकेशन शब्दों के माध्यम से है, लेकिन गौर कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं, वो तो शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उसी तरह इंसान भी कम्युनिकेट करते हैं बिना शब्दों का प्रयोग किए। जब हम गुस्से में आते हैं तो हमारी भवें एक तरह से हो जाती हैं, हमारे चेहरे, भाव भंगिमाएं, शरीर के हाथ पैर स्थिति सब एक तरह से होती है। जब हम खुश होते हैं तो दूसरी तरह से होती है। आपने गौर किया कि यह भी कम्युनिकेशन का तरीका है। या जब हम किसी जानवर के बहुत समीप जाते हैं तो वो गुर्रा कर, कुत्ता गुर्रा कर या किसी और तरह से हमको सचेत करता है, हमको वार्निंग देता है कि मेरे पास मत आओ, वो भी कम्युनिकेशन है। चूंकि हम इंसानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर फोकस कर रहे हैं, सो हम अपने एग्जाम्पल्स भी अब इंसानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से संबंधित ही रखेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन समझना बहुत खासा आसान है, जहां शब्दों का प्रयोग हो रहा हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझना बहुत आसान नहीं है, हमको उसके बारे में और जानने, समझने और बूझने की जरूरत है। तो हम जब शब्दों का प्रयोग किए बिना इंफॉर्मेशन, जो हमने पहले कहा था, इंफॉर्मेशन चाहे फीलिंग्स हो चाहे आइडियाज हो, उनका आधार प्रदान करते हैं। तो जब अभी 15 अगस्त जाती है या 26 जनवरी या ऐसे मौकों पर हम में से बहुत सारे लोग देशभक्ति से प्रेरित होकर तिरंगा फहराते हैं, वह भी कम्युनिकेशन है। हम उस समय अपनी एक भावना, अपनी वैल्यू, अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, है ना कम्युनिकेशन। इसमें कहीं कोई शब्द का प्रयोग नहीं होता। उसी तरह से जब हम कहीं सड़क पर काम हो रहा हो और उसके पास सूचना पट्ट लगते हैं या साइन बोर्ड्स लगते हैं
जिसमें खोपड़ी का निशान और एक क्रॉस होता है, वह भी शब्द नहीं है लेकिन वह भी खतरे का द्योतक है, समझे आप। तो वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम आमतौर पर पूरा कम्युनिकेशन समझते हैं, पूरा नहीं है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है जिसमें शरीर के अंग, हाव भाव और विभिन्न आवाज वगैरह वगैरह का प्रयोग होता है। अगले विभेद के अगले स्तर पर अगर हम जाएं, हमने पहला स्तर देखा था इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रा पर हम बात अब नहीं कर रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमने देखा वर्बल और नॉन वर्बल। अब वर्बल के अंतर्गत दो तरीके हैं, ये है शाब्दिक यानी शब्दों के प्रयोग से होने वाला कम्युनिकेशन। इसमें एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटन। शाब्दिक या वर्बल कम्युनिकेशन यानी शब्दों के माध्यम से होने वाला कम्युनिकेशन दो ही प्रकार का होता है, ओरल यानी जुबानी यानी बोलने वाला या जब शब्द बोले जाएं, और रिटन यानी लिखित जब शब्द लिखे जाएं, चाहे हम इंटरनेट पे ईमेल कर रहे हो या ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हो या एक कागज पर पत्र लिख रहे हो या अपने इम्तहान के दौरान अपने आंसर शीट्स लिख रहे हो, यह सब या किताबों से पढ़ रहे हो, यह सब रिटन कम्युनिकेशन का के नमूने हैं। ओरल कम्युनिकेशन जब हमें क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, लेक्चर हम अटेंड कर रहे होते हैं, टेलीविजन पे फिल्में देख रहे होते हैं या इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा होता है, यह वह है। बहुत आसान है इसको समझना बिकॉज हम इसको रोज करते आ रहे हैं। थोड़ा दुरूह है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। इसमें हम जिस स्टेज पर हैं अभी हम इस पर डिटेल्ड लिस्टिंग नहीं करेंगे, संभवतः भविष्य में हम एक ऐसा ही सेशन सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर करें, वह इतने प्रकार का होता है। लेकिन यहां पर मैं आपके बेनिफिट के लिए यह बताना चाहूंगा कि साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, विभिन्न साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न हिस्सों में, जिनके अनुसार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दौरान हम जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद 65-70 से लेकर 90-95% अलग अलग रिसर्च के अलग अलग मत है, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कर रहे होते। आमतौर पर हम मानते हैं कि हमारा पूरा कम्युनिकेशन वर्बल है यानी ओरल या रिटन, लेकिन रिसर्च बताती है कि ज्यादातर कम्युनिकेशन नॉन वर्बल है। कितना? 3/4 पूरे कम्युनिकेशन का 3/4 या उससे ज्यादा नॉन वर्बल है। इसमें आवाज के उतार चढ़ाव को भी माना जाता है, इसमें हम किस तरह से दो लोग समीप आने पर, इसे प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, प्रॉक्सिमिक्स मींस प्रॉक्सिमिटी, समीप आने पर किस तरह से बिहेव करते हैं, हैप्टिक्स वगैरह वगैरह, इसके बहुत सारे विभेद हैं जिस पर संभवतः हम कभी बाद में बात। हमने अभी तक एक इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस पे बात की है कम्युनिकेशन के और उसके विभिन्न प्रकारों पर। यह सारी जानकारी मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक बेसिक लेवल पर है, हर किसी में और बहुत बहुत जानकारी आप अपने लेवल पर भी ऑर्गेनाइज प्रयास करके प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगले स्टेप पर जाएंगे जो है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले जो स्टेप है उसको कहते हैं आइडिएशन।
आइडिएशन आइडिया शब्द से आया है। यहां पर जो आइडिया शब्द है इसको आप, जो पहले हमने आइडिया का यूज किया था वहां पर एज ए नाउन यूज किया था, यहां पर एज एन वर्ब यूज कर रहे हैं, यहां पर एक क्रिया के रूप में यूज कर रहे हैं। सो आइडिएशन इज जो विचार या जो सूचना या जो इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेशन या संप्रेषण के माध्यम से सामने वाले को दे रहे हैं, उसकी वह आइडिया जेनरेट करना, वह जानकारी एकत्रित करना या उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना, उसको आइडिएशन कहते हैं। मैं आपको एक नमूना देता हूं। आप एक छात्र हैं मान लीजिए, और आपसे कुछ पूछा जाता है एक प्रश्न, तो उसका उत्तर जब आप देंगे, उत्तर दरअसल देने से पहले क्लास में या लिखने से पहले आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में वह उत्तर आ जाता है। इसे कहते हैं आइडिया जेनरेशन। यह पहला कदम है कम्युनिकेशन में। ध्यान रखिए, हमें बिल्कुल ही नैरो फोकस्ड एरिया की बात करने, कि आपसे एक प्रश्न पूछा गया क्लास में या इम्तिहान में और आप उसका उत्तर दे रहे हैं। यह उत्तर देने का सर्वप्रथम स्टेप होगा, कदम होगा आइडिएशन, यानी आप उसके उत्तर को सोचना शुरू करेंगे और सोचकर पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो कदम मैं बता रहा हूं यह ही होते हैं, लेकिन इतनी तेजी से होते हैं कि हम इस बारे में जानकारी ही नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते। जैसे जब आप शुरू शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं हम सब, तो हम एक एक कदम सोच के करते हैं कि अब मैं ये पेडल मारूंगा, यहां ब्रेक मारूंगा, अब मैं ऐसा पानी आ रहा है ये बचा के करूंगा। लेकिन जब हम निपुण हो जाते हैं, चाहे साइकिल चलाना हो, चाहे कार चलाना हो, कोई भी स्किल हो, कोई भी स्किल हो, तो हम वह बिना सोचे करते हैं। लेकिन दरअसल जो हमारा कंप्यूटर रूपी दिमाग है वह सारे कदम कर रहा होता है, लेकिन इतनी तेजी से कर रहा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सारे कदम हो रहे हैं। उसी तरह कम्युनिकेशन में पहला कदम है आइडिएशन, कि जो आपको संप्रेषित करना है वह सूचना या तो आप जनरेट कर रहे हैं या उस सूचना से संबंधित। तो आपने मान लीजिए सोचा कि यह उत्तर हो भी हो सकता है और वह उत्तर भी हो सकता है, आइडिया जनरेट हो गया आपके दिमाग में। अब फिर आपने उस पर फर्दर काम शुरू किया कि यह उत्तर मैं अगर बोलूंगा गलत हो गया, या दूसरा उत्तर बोलूंगा गलत हो गया, तो मैं कहीं मेरी किरकिरी होगी या आपको ऑड लगेगा। तो आपने कहा क्यों ना मैं दोनों उत्तर बता दूं। अब ये पूरी प्रक्रिया, एक आइडिया जनरेट हो रहा है आपके दिमाग में, प्लानिंग हो रही कि मैं क्या उत्तर दूं, यह पूरी प्रक्रिया को आइडिएशन कहते हैं। दूसरा कदम है एनकोडिंग। ध्यान दीजिए, हमारा ब्रेन शब्दों के माध्यम से नहीं सोचता। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, आपको जो सपने भी आते हैं सोते में, वो भावनाएं होती हैं। आपको सुबह ये याद रहता है कि सपने में भावनाएं हुई, आपकी फलाना व्यक्ति से बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत के शब्द नहीं होते हैं। हमारा ब्रेन शब्दों के रूप में नहीं सोचता। आइडियाज आर नॉट, डू नॉट अराइज इन वर्ड्स, बट हाउ डू वी ट्रांसलेट आइडियाज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हमारी सभ्यता में, अगर मैं आपको घूसा दिखाऊं आंखें लाल करके और आवाज बढ़ा के, तो उसे गुस्से का द्योतक माना जाएगा या माना जाएगा कि मैं गुस्से में हूं। लेकिन हो सकता है किसी और सभ्यता में यह गुस्से का द्योतक ना हो। या अगर एक लाल फल, जैसे हम सेब कहते हैं, अगर हम सेब हमारे सामने रखा जाए और किसी की तरफ बढ़ाएं, तो ये हमारी सभ्यता में ये माना जाएगा कि यह सेब हम उसको ऑफर कर रहे हैं, न्योता देने की वो सेब खाए, यानी दोस्त है। लेकिन हो सकता है किसी और सभ्यता में उसके साथ कोई और मतलब है। ये एनकोडिंग की प्रक्रिया है, यानी कोड। अगर आप ध्यान देंगे तो ए फॉर एप्पल कहीं प्रकृति ने तो नहीं कहा, यह हम इंसानों ने, कि यह लाल फल का नाम सेब है, संतरा नहीं है, और संतरा ये फल है, ये तो हमने कोड अटैच कर दिया है। जो कंप्यूटर साइंस वाले लोग होंगे वो पाएंगे कि अक्सर कंप्यूटर साइंस में ये कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में भी लैंग्वेजेस का प्रयोग होता है। सो दूसरी प्रक्रिया एनकोडिंग की है।
आपके दिमाग में जो विचार आया वह विचार शब्दों या दूसरा व्यक्ति जो समझ सके, जरूरी नहीं उस तरह से आए। अब आप उसके साथ एक कोड अटैच करते हैं, उसको एक तरह से प्रस्तुति योग्य बनाते हैं कि आपके विचार को दूसरा वही समझे। यानी अगर मैं ABCD में बात कर रहा हूं और सामने वाले को ABCD नहीं आती है, उसको चाइनीज है मान लीजिए और सिर्फ चाइनीज आती है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता ना। तो अगर मुझे सामने वाले तक अपना इंफॉर्मेशन पहुंचानी है इस तरह से कि वह इस इंफॉर्मेशन को से वही समझे जो मैं उसे समझाना चाहता हूं, तो हम दोनों के बीच में कॉमन कोड होना पड़ेगा। यह है एनकोडिंग। शब्द भी भाषाएं भी केवल इस कोड का एक नाम है। अब मैंने आपसे बता रखा है कि शब्दों के बिना भी बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है, तो कौन सा भंगिमा हमारे चेहरे का, कौन सा भाव या किस तरह के कपड़े, अगर मैं एक फॉर्मल इंटरव्यू में मान लीजिए आप या मैं जाएं और बहुत ही गंदा सा खराब सा कुछ कुर्ता और रबड़ की चप्पल और हाफ पैंट पहन के चले जाएं, तो हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी ड्रेस के माध्यम से जो हमारे लिए नेगेटिव होगी। और इसके बनिस्पत अगर हम बहुत अच्छी तरह नहा धो के शेव करके और सुंदर सी स्वच्छ कपड़े पहन के टाई लगा के नीटली जाएं, तो हम कुछ और कम्युनिकेट कर रहे। ये कोड्स हैं हमारी सभ्यता में या जिन समाजों में हम रहते हैं उसके अनुसार कोड्स बना दिए गए कि कोड मींस एक तरह से व्यवहार करने का तरीका। ये तो है गैर शाब्दिक कम्युनिकेशन में। शाब्दिक कम्युनिकेशन में उस चीज के लिए शब्द बना दिए गए हैं, जैसे सेब, संतरा, अंगूर। अब जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर का नाम अगर पेन हो जाए, मान लो मैं कहूं कि ये पेन है, तो आपको अटपटा लगेगा। लेकिन अगर विश्व का हर व्यक्ति या यहां मौजूद हर व्यक्ति इसको पेन कहने लग जाए और समझने लग जाए और मानने लग जाए, तो आपको कुछ कतई अटपटा नहीं लगेगा। ये क्या हुआ कि कोड हमने चेंज कर दिया। लेकिन कोड ऐसे चेंज नहीं होते। कोड इंसानी सभ्यता में हजारों हजारों सैकड़ों सालों में धीमे 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 बनते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं युवा था या मैं छात्र था स्कूल के समय में, तब ट्विटर शब्द का मतलब आम बोलचाल की भाषा में चिड़ियों का चहचहाना था। मेरे ख्याल से डिक्शनरीज में तो वह मतलब अभी भी होगा, नहीं गया होगा। लेकिन आज जब ट्विटर बोलते हैं, हम कुछ और समझते हैं कि फोन के माध्यम से कम्युनिकेशन का प्रयोग कर देना। तो देखिए कितना ये पिछले 30-40 सालों में इतना एक अहम बदलाव आया है। ऐसे ही बदलाव सैकड़ों हजारों साल में धीमे धीमे आते रहते हैं और नए कोड्स बनते रहते हैं। सो दूसरा कदम हमने देखा इस आइडिया, और आइडिया को इस तरह से एनकोड करना या प्रस्तुति के योग्य बनाना कि सामने वाला वही समझे हम जो कर रहे हैं। इसका तीसरा कदम होगा ट्रांसमिशन। आपके दिमाग में जो विचार आया उसके साथ आपने कोड अटैच किया, उस कोड को आपने जो आपका सामने वाला व्यक्ति है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जहां तक आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहां तक कैसे भेजेंगे, ट्रांसमिट कैसे करेंगे। आप बोलकर कर सकते हैं, आप लिखकर कर सकते हैं, बोलने में भी आप फेस टू फेस बोल सकते हैं, आप रिकॉर्ड करके प्ले कर सकते हैं, आप एक ऑडियो फाइल बना के भेज सकते हैं। वैसे ही लिखने में आप एक छोटे से कागज पर लिख सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये ट्रांसमिशन का तरीका है। ये सब तरीके इसी के अंतर्गत आते हैं। और आइडिएशन और एनकोडिंग और ट्रांसमिशन और आगे के जो हिस्से हैं, ये सारे हिस्से सामूहिक रूप से जब सही होते हैं तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव या पूर्ण होता है। हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे कभी भविष्य में बात करेंगे इसी सीरीज में, लेकिन यह ध्यान रखिए कि हर स्टेप बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और हर स्टेप को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइडिया जनरेट हुआ, एनकोड हुआ और ट्रांसमिट हुआ। अब आइडिया ट्रांसमिट का मतलब है कि सामने किसी ने उसको ग्रहण किया, यानी कोई रिसीवर सामने है। अगर मैं खड़े होकर निर्जन में कुछ बोलता जाऊं और मैं कहूं कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, अगर मैं अपने आप से बात कर रहा हूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं निर्जन में खड़े होकर बहुत जोर जोर से मुंह से बोलता जाऊं बिना किसी आसपास व्यक्ति के हुए और मैं कहूं कि कम्युनिकेशन कर दिया मैंने, तो वो गलत होगा।
सामने रिसीवर होना जरूरी है, चाहे फोन, ट्विटर, एसएमएस के माध्यम से सबको रिसीवर भी हुआ। अब रिसीवर एक व्यक्ति होगा, लेकिन वह स्टेप को कहते हैं, उस कदम को कहते हैं डीकोडिंग। ये एनकोडिंग का रिवर्स है। हमने एक विचार को या एक विचारों के समूह को एक पर्टिकुलर, एक खास तरह से एक कोड अटैच करके ट्रांसमिट किया। अगर उसको डीकोड, अंत में दिमाग जो रिसीवर का है वो आइडिया ही ग्रहण करता है, तो फाइनली ये आइडिया रिसीवर के दिमाग तक करेक्टली और पूर्ण रूप से पहुंचे, इसलिए यह आवश्यक है कि डीकोडिंग सही हो। तो जैसे एनकोडिंग हमने की, उसका ठीक उल्टा हम डीकोडिंग में करते हैं। हम मींस जो ग्रहण करने वाला है, यह बहुत खास कदम है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अभी चर्चा की थी कि ये लाल रंग के फल को हम सब सेब के नाम से जानते हैं, या इसको, इस वस्तु को हम डस्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर यह वस्तु किसी और समाज में सामने वाले इसको पेन के रूप में जानता है और मैं डस्टर शब्द का यूज करूं, तो वो समझ नहीं पाएगा, यानी संप्रेषण पूर्ण नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसीलिए एनकोडिंग के लिए जो कोड यूज हुआ है और डीकोडिंग के लिए जो कोड यूज हो, दोनों कोड्स में सामंजस्य होना चाहिए, या दोनों सेम कीज होनी चाहिए, सेम कोड होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर जब हम कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम सबके जीवन के लिए, खास तौर से जो लोग नौकरियों में और इस तरह से हैं, वहां पर गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है। तो अक्सर हम में से कई सारे लोग जाने अनजाने में या बिना इस बात का ध्यान किए कम्युनिकेशन करते हैं, या तो एनकोडिंग गलत हो गई होती है या डीकोडिंग गलत हुई होती है, क्योंकि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम सेंडर भी हैं, हम रिसीवर भी हैं। अगर ये दोनों गलतियां होती हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जो हम बोलना चाह रहे हैं या हम संप्रेषित करना चाह रहे हैं वह नहीं पहुंचता, कुछ और मतलब पहुंचता है। अब ये चार कदम हो गए, आइडिया बना, आइडिया एनकोड किया गया, आइडिया ट्रांसमिट किया गया, आइडिया बना सेंडर से, एनकोडिंग भी सेंडर ने की, ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से हुई। मीडियम, मीडियम मींस इंटरनेट, कागज, पेन, आवाज वगैरह वगैरह वगैरह। ये दोनों सेंडर के स्टेप्स हैं। ये ट्रांसमिशन एक न्यूट्रल स्टेप है और ये स्टेप डिकोडिंग रिसीवर कर रहा है। ठीक, हम ये मान के चलते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया हुई, आइडिया पूर्ण रूप में सेंडर से रिसीवर के दिमाग तक पहुंच गया। लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अगर हम ये इंश्योर नहीं करते हैं, अगर हम ये सुनिश्चित नहीं करते हैं कि आइडिया पूरा का पूरा और बिना किसी करप्शन या बिना किसी गलती के पहुंचा है, तो यह आवश्यक है कि हम एक आखिरी प्रक्रिया को भी जाने और समझे। इसे कहते हैं फीडबैक। ये शब्द आप में से बहुत सारे लोगों को फेमिलियर होगा। फीडबैक मींस कि मैंने जो रिसीव किया उसके बेसिस पर मैं कुछ जवाब दूं। जवाब का मतलब जरूरी नहीं कि कोई शब्द हो, मेरे हाव भाव से। मैं आपको बताता हूं, जब आप फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं, आप बोलते हैं, हर थोड़ी देर बाद में सामने वाला हां, हूं या किसी माध्यम से आप तक यह सूचना देता रहता है। ध्यान कीजिए, हम सब करते हैं ऐसा कि जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो हम सामने वाले को यह सूचित करते रहते हैं कि मैं हूं। यह तो एक बहुत बेसिक लेवल पे हुआ, लेकिन यहां पर इस फीडबैक का मतलब ज्यादा वृहद है। इसका मतलब यह है कि किसी एक ऐसा तरीका जिससे सेंडर या भेजने वाला यह जान सके कि जो रिसीवर है, जिसने डिकोड किया है मैसेज को, उसने करेक्टली डिकोड किया है या नहीं किया है। और वो तब होगा जब रिसीवर से सेंडर तक फीडबैक पहुंचेगा। यह फीडबैक ही इस पूरी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर कोई प्ले चल रहा है या नाटक चल रहा है या कोई
संगीत महोत्सव चल रहा है, कोई कलाकार प्रस्तुति दे रहा है, जब कलाकार खत्म करता है अपनी प्रस्तुति, तो किसी ना किसी या तो झुक कर या किसी ना किसी माध्यम से, संगीत में उसके तरीके ही होते हैं कि तीन बार एक चीज को उन्होंने बंद किया, बोला आखिरी में, और वॉल्यूम कम करके खत्म किया, और जो ऑडियंस है वो ताली बजाकर, या किसी किसी केस में ताली नहीं बजाते हैं, अगर उनको नापसंद आया तो भी वो फीडबैक देते हैं। आपने सुना होगा एक किंवदंतियां हैं कि टमाटर मारे गए या फलाना हुआ ये हुआ, वहां पर लोग सहमत नहीं थे, लेकिन वहां पर एनकोडिंग ट्रांसमिशन डिकोडिंग हुई और उस डिकोडिंग का फीडबैक अंडे या टमाटर के माध्यम से हुआ, उसी तरह तालियों के माध्यम से हुआ। सो असर क्या हुआ इसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन असर हुआ और जो सेंडर है उसको समझ में आया। यह पूरी क्रिया और प्रक्रिया को कहते हैं कम्युनिकेशन फीडबैक लूप। यह प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के साथ ही हम यह वाले सेशन को आज अंत करते हैं। हम इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा भविष्य में भी करते रहेंगे। धन्यवाद।